ये हमारे इंडोर लगे हुए हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यूनिट है, और इसी तरीके से इस लॉबी के अंदर, सीलिंग के अंदर ये हमारा सेकंड यूनिट है। तो इस तरीके से ये टिपिकल जो हैं 14 यूनिट हैं, हर फ्लोर के ऊपर 2 यूनिट्स, ठीक है जी। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आउटडोर की जो सेटिंग है वो आपसे शेयर करूंगा, ना कि इंडोर्स की, क्योंकि इंडोर्स की अगर मैं सेटिंग करता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर आपको इसके जो इंडोर्स की डीप स्विचिंग और यहां से जो कनेक्शन है वायरिंग के और कम्युनिकेशन के, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट ये मिल जाएगा कि जब मैं आउटडोर की स्लीव वन और स्लीव टू और मास्टर की आपस में कम्युनिकेशन करूंगा, तो सेम इसी तरीके से हमारे इंडोर्स की भी जो कम्युनिकेशन है वो आपस में कनेक्ट होती है। तो हम चलते हैं रूफ़ पर। हम इस वक्त रूफ़ पर दोबारा आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले हम इंडोर आपको शो करवा देते हैं, उसके बाद आउटडोर। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये सबसे पहला यूनिट है हमारा मास्टर, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है, और इसके साथ ही 2 यूनिट आगे हैं, ठीक है जी। इसमें है जी स्लेव 1, और इसके बाद जो है ये है जी स्लेव 2। अब जैसे कि कमेंट्स के अंदर बार बार आ रहा था कि स्लेव 1 और स्लेव 2 की भी डीप स्विचिंग बताई जाए, तो आपके कमेंट्स और आपके बेहद इसरार के ऊपर ये मैं एक वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो आप देख ही रहे हैं, और उसके अंदर जो डिटेल थी वो मैंने आपको बताई थी। और इस दफ़ा आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इन 3 यूनिट्स की दोबारा से कम्युनिकेशन वायरिंग और मास्टर यूनिट और स्लेव 1 और स्लेव 2 को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और आपस में किस तरीके से इनका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से एड्रेस करवाते हैं वो डिटेल में आपको दूंगा। इस वक्त आप ये 3 यूनिट देख रहे होंगे, इसके साथ जो यूनिट अटैच हैं इंडोर्स वो हैं 14th, यानी 14 इंडोर हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, 2 इंडोर आपको एज आ सैंपल के तौर पे दिखाए एक फ्लोर के ऊपर, क्योंकि अगर मैं सारे यूनिट दिखाता तो आपको 14 के 14 फ्लोर मुझे कम से कम, सॉरी, 7 फ्लोर दिखाने पड़ते, क्योंकि एक फ्लोर के ऊपर 2 यूनिट हैं। तो उसी तरीके से वो टिपिकल 2-2 करके 14 इंडोर लगे हुए हैं। तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मैं इन यूनिट्स को, इनका जो केस है वो ओपन करवाता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसके अंदर कम्युनिकेशन वायर कनेक्ट हुई हुई है और किस तरीके से डीप स्विचिंग हुई हुई है। तब तक के लिए वीडियो को रोकते हैं जी। तो हमारे 3 यूनिट के इस वक्त केस खुल चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं मास्टर, स्लेव 1 और पीछे इसके स्लेव 2। अब मैं आपको इसके पीसीबी पे लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से इसकी कम्युनिकेशन और स्लेव 1 और स्लेव 2 की कम्युनिकेशन आपस में मास्टर के साथ किस तरीके से कनेक्ट है जी। तो यूनिट के पीसीबी पे हम आ चुके हैं और मैं नीचे करता हूँ, तो इससे पहले किसकी, ये मेन पावर सप्लाई है 3-फेज, साथ न्यूट्रल और ग्राउंड इसका लाजमी लगना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राउंड लगा हुआ है। उसके बाद अब आ गए हम इस जगह पर जहाँ पर इंडोर्स की कम्युनिकेशन वायर है और स्लेव 1 स्लेव 2 की कम्युनिकेशन वायर है। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और कंपनी की जो इसकी ऑपरेशन मैनुअल्स हैं और उनकी डिटेल जो है, इसमें जो PQ है ये हमारी इंडोर से आती है, ठीक है जी। ये हमने जो इंडोर से PQ उठ कर के आएगी, वहाँ से लूप बन करके आएगा, वो मास्टर यूनिट में लगेगा यहाँ पर P एंड Q। जब हम इंडोर्स पे जाएंगे तो वहाँ पर भी PQ होगा, तो वहाँ पर रेड और ये ब्लैक शील्डेड वायर है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो ये PQ यहाँ पर लग गई। उसके बाद यहाँ से हम ABC, ये हमारी मास्टर यूनिट टू स्लेव 1 स्लेव 2 यूनिट के लिए आपस में इसकी कम्युनिकेशन वायर है ABC, ये मास्टर में हमने कनेक्ट की। आप ये देखें, मास्टर में कनेक्ट होने के बाद अब हम चलते हैं स्लेव 1 यूनिट के ऊपर जी। तो यहाँ पर ये स्लेव 1 यूनिट पे आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PQ नहीं है। PQ सिर्फ हमारी जो इंडोर की कम्युनिकेशन वायर होती है वो सिर्फ मास्टर यूनिट में आके लगती है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ABC जो मास्टर यूनिट से आई थी, ये देखें रेड ब्लू एंड येलो। अब आप कह रहे होंगे यहाँ 2-2 तारों का पेयर है, बिल्कुल है। यहाँ देखें एक जो ABC है रेड
ब्लू और येलो जो है ये हमारी आई है मास्टर यूनिट से, ठीक है जी। और यहीं से एक और लूप बनेगा ए बी सी का स्लेव वन यूनिट से, और ये जाएगा स्लेव टू यूनिट के ऊपर। मैं आपको स्लेव टू यूनिट के ऊपर लेकर जाता हूँ। उससे पहले ये आप देखें कि यहाँ पर भी थ्री फेज की सप्लाई इसको दी हुई है, और ए बी सी मास्टर यूनिट से यहाँ पर इन हुई, और यहाँ से अब स्लेव वन में यहीं से लूप बन करके स्लेव टू के ऊपर जा रही है जी। तो हम इस वक्त आ गए हैं स्लेव टू यूनिट के ऊपर। तीसरा यूनिट जो इसका आखिरी है, ये आप देखें ए बी सी यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गई, सिंगल वायर हो गई हैं दोनों, ठीक है जी। ए बी सी मास्टर यूनिट से उठी और स्लेव वन पे आई, वहाँ से फिर लूप होकर के, जैसे मैंने आपको दो दो तारे दिखाई थी, वहाँ से लूप होकर के अब आ गई यहाँ पर स्लेव टू के ऊपर। ये होगी जी बहुत सिंपल सी सेटिंग है इसकी, और बहुत आसानी से ये आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन वायर इंडोर से मास्टर यूनिट पे आई, मास्टर यूनिट के बाद वहाँ पर कम्युनिकेशन होने के बाद जो ए बी सी अलग से टर्मिनल है वो वहाँ से होकर के स्लेव वन पे आए, और स्लेव वन से लूप बन के स्लेव टू के ऊपर आए। अब आ जाती है मेन सेटिंग इसकी डीप स्विचिंग की। हर कंपनी की एक अलग सेटिंग होती है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो बी एम वन, बी एम टू, बी एम थ्री और बी एम फोर जो है डीप स्विचिंग है। बी एम टू को हम नहीं छेड़ेंगे, बी एम थ्री को नहीं छेड़ेंगे। देखें ये यहाँ पर रेड कलर की जो डीप स्विच है ये ऑन है, यह कंपनी सेटिंग होती है, और बी एम फोर को भी हम नहीं छेड़ेंगे। हमने जो भी काम करना है वो बी एम वन पे करना है, और ये मैं बता देता हूँ क्यों करना है, कि इसकी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ जी। तो ये इसकी डिटेल है, और यहाँ पर आप देखें बी एम वन इंट्रोडक्शन दिया हुआ इन्होंने, तो यहाँ पर यहाँ सेटिंग दी हुई है सारी। ये मास्टर यूनिट की सेटिंग है, ठीक है जी, बी एम वन की। हम मास्टर यूनिट में ये सेटिंग करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जी बी एम वन में जो उसकी डीप स्विच वन है उसको है जी आउटडोर सर्चिंग आफ्टर स्टार्टअप, यानी कि जब हम पावर सप्लाई यूनिट्स को दे देंगे उसके बाद मास्टर यूनिट के अंदर आउटडोर सबसे पहले वो रीड करेगा। जब वो रीड करेगा तो हम यहाँ पर बी एम वन की जो डीप स्विच वन है उसको हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा जी, स्टॉप सर्चिंग आउटडोर एंड लॉक द क्वांटिटी, यानी कि आउटडोर्स की जो क्वांटिटी है वो सर्चिंग हो रही होगी, उसके बाद बी एम वन को हम जब ऑन करेंगे तो आउटडोर की जो सर्चिंग है वो उसको लॉक कर देगा, उसकी क्वांटिटी को लॉक कर देगा। उसके बाद अब आ जाती है इंडोर्स की बारी, जब आउटडोर को सर्च कर लेगा तो उसके साथ ही ये बी एम वन की डीप स्विच टू को हमने ऑन करना है। उसमें लिखा हुआ है इंडोर सर्चिंग आफ्टर स्टार्टअप, यानी कि ये दोनों चीज़ें चलनी होंगी। जब हम इसको लॉक करेंगे तो ये भी साथ दे रहा होगा, जब इसको लॉक करेंगे तो ये फिर इसके बाद इंडोर्स की क्वांटिटीज़ को देगा कि कितने इंडोर्स इसके साथ कनेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, जितने भी यूनिट अटैच होंगे यूनिट के साथ, वो क्वांटिटी हमारे सामने शो हुई, तो हम क्या करेंगे कि बी एम वन की जो डीप स्विच टू है उसको ऑन कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा जी, स्टॉप सर्चिंग इंडोर एंड लॉक द क्वांटिटी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाती है डीप स्विचिंग स्लेव वन और स्लेव टू की, हम डीप स्विचिंग को भी कैसे एड्रेस करेंगे और किस तरीके से लॉक करेंगे। तो नीचे आप अगर आप देखें तो यहाँ पर यूनिट नंबर दिया हुआ है और फिज़िकली मास्टर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है जी। पहला जो यूनिट है हमने बी एम वन को जो करना था हमने मास्टर यूनिट में उसकी सेटिंग कर ली। उसके बाद बी एम वन ही की डीप स्विच सेवन और एट को हम लोगों ने एक्टिव करना है, वो किस तरीके से करना है। यहाँ पर जो बी एम वन की जो सेवन है एड्रेस सेटिंग जो करनी है, तो जब हम स्लेव वन पे आएंगे तो बी एम वन की जो आठ नंबर की डीप स्विच है एट नंबर उसको ऑन कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद बी एम वन एट की डीप स्विच जो है हमारी, बी एम वन एट जो है हमारी वो आएगी स्लेव वन में, ठीक है जी। और बी एम जो वन की जो सेवन है वो आ जाएगी स्लेव टू यूनिट के अंदर। एक चीज़ यहाँ मैं मिस कर गया आपको बताना कि हमने मास्टर यूनिट की डीप स्विचिंग से पहले स्लेव वन और स्लेव टू की डीप स्विचिंग करनी है। मैं माजरा चाहता हूँ कि मैं बात की बात पहले कर गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्लेव वन और स्लेव टू की डीप स्विचिंग की सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद हमारी मास्टर यूनिट की डीप स्विचिंग होगी। जाहिर सी बात है जब यहाँ से हम कमांड देंगे तो मास्टर यूनिट रीड करेगा आउटडोर्स को, तो पावर सप्लाई देने से पहले हम स्लेव वन और स्लेव टू की डीप स्विचिंग कर लेते हैं। स्लेव वन में हम लोग जो है इसकी यूनिट की हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद स्लेव टू के अंदर भी सेटिंग कर लेते हैं।
जी, तो मैं दोबारा आपको एक बात बता दूं, देखें यहाँ पर 3 यूनिट अलग से दिए हुए और एक मास्टर यूनिट अलग दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इसमें मास्टर 1 है और slave 1 and slave 2 अलग से 2 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट है हमारे पास टोटल, लेकिन यहाँ 4 यूनिट की सेटिंग है। अब यहाँ पर अगर हम आए तो हम slave 1 पे आते हैं, यहाँ पर ये देखें तो इसकी BM जो 1 की है डीप स्विच वो 8 नंबर, यहाँ पर देखें इसको ऑन कर देंगे, और दूसरे यूनिट पे जब हम आएंगे तो 7 नंबर को ऑन कर देंगे, BM 1 7 नंबर इसकी ऑन कर देंगे। ये हमारा slave 1 है, तो हम यहाँ पर आएंगे डीप स्विच की सेटिंग में BM 1 की, ये आप देखें ये BM 1 है और इसकी जो 8 नंबर है इसको हमने ऑन कर दिया, ये आप देखें ऊपर कर दी मैंने डीप स्विच, ठीक है जी, करीब करता हूँ आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं slave 2 के ऊपर, तो जो डिटेल दी हुई है उसमें हम ये 7 नंबर जो है ये वाली इसको हम ऑन कर देंगे जी। तो ये slave 2 यूनिट है, यहाँ देखें ये सारी डीप स्विच इसकी ऑफ पड़ी हुई है हर यूनिट में थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 नंबर इसकी ऑन कर देंगे, ये देखें जी ये इसकी मैंने 7 नंबर ऑन कर दी है, बाकी डीप स्विच सारी ऑफ पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर यूनिट की तरफ, यहाँ से डीप स्विचिंग हो गई, अब हम इन तीनों यूनिट्स को सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद मास्टर यूनिट पे चलेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर जो यूनिट्स की सप्लाई थी वो ऑन कर दी है, ये मास्टर यूनिट है हमारा, और इसके साथ ही ये slave 1 है, ये आप देख सकते हैं रेड लाइट जल रही है, ठीक है जी। इसी तरीके से slave 2 यूनिट की भी हमने सप्लाई ऑन कर दी है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं मास्टर के ऊपर और इसका जो एड्रेसिंग है वो कर लेते हैं इंडोर्स की और आउटडोर की जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LED के ऊपर एक नंबरिंग चल रही है, तो यहाँ पर ये देखें 3 उसके बाद 12, इट्स मीन के 3 जो आउटडोर है मास्टर को मिला करके slave 1 और slave 2 वो मास्टर यूनिट बोला है जी, 3 इंडोर आपस में कम्युनिकेट है, ठीक है जी। ये हमने इसकी डीप स्विचिंग जो की थी slave 1 slave 2 की, अब हमने करना क्या है, जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आउटडोर की क्वांटिटी अगर मीट कर जाती है जो क्वांटिटी है, तो हम इसको BM 1 डीप स्विच जो है उसकी 1 नंबर को ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद ये तीनों आउटडोर जो हैं मास्टर खुद और slave 1 और slave 2 को लॉक कर देगा। उसके बाद आ जाती है जी इंडोर की बारी, जैसे मैंने आपको बताया था इस यूनिट के साथ 14 इंडोर अटैच हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर अब से 14 नंबर जो है 14 नंबर जो है वो आ रहा है, इट मीन के आउटडोर लॉक होने के बाद अब ये इंडोर को डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि जी ये 14 नंबर्स ऑफ इंडोर्स इसके साथ कनेक्ट हैं, तो हम इंडोर्स को भी यहाँ पर लॉक कर देंगे डीप स्विच 2 को ऑन करने के बाद जी। ये आप देखें लॉक करते ही इसकी जो टाइमिंग है वो आ गई है, और वो जो इंडिकेशन कर रहा था 3 और 14 की वो ख़त्म हो गई है, 0 है इस वक्त। 0 का मतलब है कि इस वक्त यूनिट में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारी चीज़ें जो एड्रेस बिल्कुल सही हुई हैं इंडोर्स और आउटडोर। अब ये जो यूनिट है थोड़ा सा टाइम लेगा चलने में, जब तक क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करता हूँ तो वीडियो और मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर वीडियो को रोकता हूँ, जैसे ही यूनिट रन करेगा तो मैं वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करूँगा जी। तो ये यूनिट अब चल पड़े हैं, आप करीब करता हूँ कंप्रेसर के, तो वॉइस सुन सकेंगे आप ये हमारा मास्टर है, ठीक है जी, और मैं slave 1 की भी और slave 2 की भी आपको कंप्रेसर का जो साउंड है वो सुना देता हूँ जी। ये हमारा slave 1 है, ये भी चल गया और इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, बेहतरीन चल रहा है। अब हम चलते हैं slave 2 की तरफ, जी तो ये भी यूनिट चल गया है, साउंड आप सुन सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।